हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 26 सितंबर के इनसाइट्स की करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, बट थोड़े कंस्ट्रेंट्स थे, सो प्लीज़ बेयर विद मी। नेक्स्ट वीक से रेगुलरली आ जाएगा अपलोड, मतलब अराउंड 11 to 12 इन द नाइट अपलोड हो जाएगा डेली। तो वो आप अपना टाइम फिक्स कर लेना, अगर किसी को 11 बजे देखना है, अराउंड 11:30 to 12 के बीच में अपलोड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आर्टिकल है GS1 का टॉपिक, पाइकर रेबेलियन के बारे में। पाइकर रेबेलियन ये क्यों से, ये रेबेलियन तो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। प्रेसिडेंट रामनाथ गोविंद ने फाउंडेशन ले किया है ऑफ अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू 1817 पाइकर रेबेलियन। ठीक है, 1817 के पाइकर रेबेलियन को मेमोरेट करने के लिए। एंड पाइकास क्या थे? पाइकास हैज़ बिन रिक्रूटेड सिंस 16th century बाय द किंग्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, अब ये पाइका ओडिशा का है, कहीं कर्नाटका का नहीं लेके आना है। फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोशल ग्रुप्स टू रेंडर मार्शल सर्विसेज इन रिटर्न फॉर रेंट फ्री लैंड। ठीक है, निष्कर जागीर, निष्कर मतलब निष्कर रेंट फ्री जागीर, जागीरदार जो जागीर होल्डर्स होते हैं, रेंट फ्री लैंड इसलिए उनको, ताकि एक वो अपनी मार्शल स्किल्स देंगे किंग को और फिर बदले में उनको एक रेंट फ्री लैंड मिलेगा। तो ये होता था। एंड देवर ट्रेडिशनल लैंड ऑलिंग मिलिशिया ऑफ ओडिशा एंड सर्वड एज वॉरियर्स। एक तो लैंड ऑलिंग मिलिशिया थे, मिलिट्री पर्सन थे, एंड वॉरियर्स की तरह सर्व करते थे किंग को। अब ये रिबिलियन स्टार्ट कैसे हुआ? वेन आर्मीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर रैन मोस्ट ऑफ ओडिशा इन 1803, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वहाँ पे इन्वेड किया ओडिशा में, द किंग ऑफ खुर्दा लॉस्ट हिज प्राइमेसी एंड द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ पाइकास वाज ऑन डिक्लाइन। तो जब वो बैटल हारता दिख रहे थे तो पाइकास की प्रेस्टीज भी कम हो गई। एंड ब्रिटिश वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दिस एग्रेसिव वॉरलाइक न्यू सब्जेक्ट्स। जो पाइकास थे उनकी, उनसे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं थे। फिर उन्होंने कमीशन सेटअप किया अंडर वॉल्टर ईवर कि भाई देखो क्या चीज़ है ये पाइकास और इनको कैसे कर्टेल किया जा सके। तो कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो भी इनको हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड देते हैं ना, वो ले लो आप, ठीक है, उस पर अपना हक जमा दो। एंड ये वाली रिकमेंडेशन एडमिट कर ली गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। पाइकास को आया गुस्सा, पाइकास ने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अनुसार, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड और भी रीजंस थे, सिर्फ ये नहीं था कि प्राइस ऑफ सॉल्ट भी बढ़ा था। अब एन अबॉलिशन ऑफ काउरी करेंसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। काउरी क्या होते थे? शेल्स, जैसे वो छोटे छोटे शंख जैसे नहीं होते, बीच में काला सा होता है, पहले उनको अबॉलिश कर दिया गया था एज ए करेंसी फॉर पेमेंट। तो उसके बाद भी उनको गुस्सा चढ़ा हुआ था। एंड ओवरली एक्सटॉर्शनिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बहुत ही एक्सटॉर्शनिस्ट थी, मतलब एक एक्सटॉर्शन जैसे, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डालती थी, अनड्यू प्रेशर। एंड बख्शी जगह बंधु बिद्यान मोहापात्रा ब्रह्मबार राय, ठीक है, द हाइएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल ऑफ किंग खोर्दा मुकुंद देव सेकेंड लेड द पाइकास। तो जो बख्शी जगत बंधु जी से जी थे, इन्होंने इसको पाइकर रेबेलियन को लेड किया था। एंड इनिशियली द कंपनी स्ट्रगल टू रिस्पॉन्ड टू मैनेज टू पुट डाउन रेबेलियंस। पहले तो उनको बहुत दिक्कत आई, बट उन्होंने फिर मैनेज कर लिया टू पुट डाउन द रेबेलियन बाय में 1817 एंड 1825 में। जो ये थे जगह बंधु जी थे, इन्होंने भी सरेंडर कर दिया गया। देन इज़ अबाउट US प्रेजिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब क्या न्यूज़ आ रही है कि जो स्पीकर है हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है, हाँ फुल हाउस का, तो उसने एक इन्वेस्टिगेशन इम्पीचमेंट उसके प्रोसेस को एडमिट कर लिया गया है। तो अभी इन पे इंक्वायरी, अभी देखते हैं पहले इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस क्या है। इम्पीचमेंट का क्या मतलब होता है? इट अलाउज कांग्रेस टू रिमूव प्रेसिडेंट। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले इट बिगिंस विद इन्वेस्टिगेशन बाय हाउस कमेटी, पहले हाउस कमेटी के पास जाएगा एंड इफ दे फाउंड दैट देयर इज इनफ एविडेंस है, तो फिर ये एक मैटर फुल हाउस के पास जाएगा। फुल हाउस कौन सा होता है? लोअर हाउस, ठीक है। इफ अगर लोअर हाउस ने देखा कि वन और मोर ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट को एक मेजॉरिटी वोट मिल गई, मेजॉरिटी मीन सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 वाले नहीं, सिंपल मेजॉरिटी को भी अगर एक या दो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट में मेजॉरिटी मिल गई, तो प्रेसिडेंट इम्पीच करे जा, पहले प्रेसिडेंट इम्पीच किए जाएंगे फ्रॉम लोअर हाउस एंड फिर प्रोसीडिंग कहाँ जाएगी? सीनेट के पास। अब सीनेट क्या है? अपर हाउस। अपर हाउस होल्ड अ ट्रायल, जो ट्रायल होती है, ट्रायल कौन देखता है? ओवरसीन बाय चीफ जस्टिस ऑफ वहाँ का सुप्रीम कोर्ट। एंड अ टीम ऑफ लॉ मेकर्स फ्रॉम द हाउस नॉन एज मैनेजर्स प्ले अ रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। हाउस वाले तो प्रोसिक्यूटर्स हो जाएंगे एंड द प्रेसिडेंट हैज़ डिफेंस लॉयर्स एंड सीनेट सर्व्स एज जूरी, ठीक है, जो सीनेट होएगा वो जूरी होएगा, ठीक है। एंड अ टीम ऑफ लॉ मेकर्स फ्रॉम हाउस, ये प्रोसिक्यूटर्स होंगे जो उसके खिलाफ होंगे, एंड प्रेसिडेंट का एक डिफेंस वाला होगा एंड सीनेट
क्या होएगा, जूरी की तरह होएगा, और इसका कौन देख रहा होगा, चीफ जस्टिस, ठीक है। एंड देन अगर 2/3 ऑफ द सीनेटर्स प्रेजेंट फाइंड दैट प्रेजिडेंट गिल्टी है, अगर 2/3 को एक अच्छी मेजोरिटी से, तो ही इज रिमूव्ड एंड वाइस प्रेजिडेंट टेक्स ओवर एज प्रेजिडेंट। यहाँ पे सिर्फ वो इम्पीच हुआ है, पर यहाँ पे वाइस प्रेजिडेंट ने उनकी जगह ले ली है। तो अगर कोई पूछे कि इम्पीचमेंट का मतलब पक्का पक्का उनको हटा दिया गया, तो नहीं, इम्पीचमेंट के बाद वो सीनेट के पास जाएगा, तब जाके वो हटेंगे। ग्राउंड्स देख लेते हैं इम्पीचमेंट के। द प्रेजिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस फॉर ट्रेजन, ब्राइबरी और हैनी हाई अदर क्राइम्स एंड मिसडीमर्स। मिसडीमर्स क्या होते हैं, छोटे क्राइम होते हैं, ठीक है, या तो कोई क्राइम हो, ठीक है, इस तरीके के लिए उसको इम्पीच किया जा सकता है। अभी इनके ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया, जो इनके दूसरे राइवलरी हैं, अभी 2020 में US में इलेक्शन होंगे, तो जो इनके दूसरे राइवलरी हैं ना, उन्होंने यूक्रेन पर प्रेशर लगाया कि उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए। तो दूसरी राइवल दी है, तो अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो फिर वो इलेक्शन पे फोकस कैसे करेंगे। तो इन्होंने ये तिगड़म लगा के इनका इलेक्शन ग्राउंड मजबूत करने का वो सोचा है, तो इस वजह से उन पे इंपीचमेंट इंक्वायरी बैठी है। एंड या तो वो अब्यूज़ कर रहे हैं पावर का बाय हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल एंड ऑल्सो करप्शन एंड अनदर अब्यूसेज इंक्लूडिंग ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग, या जुडिशियल प्रोसीडिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, या करप्शन लेवल में वो इन्वॉल्व है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि नो US प्रेजिडेंट हैव बिन रिमूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पीचमेंट। तो देखो, सबसे पहले इम्पीचमेंट होएगी, फिर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो आज तक कोई भी किसी को रिमूव नहीं किया है। हाँ, इम्पीचमेंट हुआ है 2 प्रेजिडेंट का, एंड्रयू जॉनसन इन 1968 एंड बिल क्लिंटन इन 1998, बट सीनेट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया था, सीनेट से वो रिमूव नहीं हुए थे। प्रेजिडेंट तो रिचर्ड निक्सन है, 1974 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था बिफोर ही कुड रिमूव, ठीक है। इनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट का चला था, पर इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर लिया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी प्रेसिडेंट अब आज तक रिमूव हुआ नहीं है ड्यू टू इम्पीचमेंट, ना ही हमारे यहाँ पे रिमूव हुआ। देन इज अबाउट पोषण माह। पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन। माह क्या होता है, मंथ, ठीक है। अब मंथ जो सेप्टेम्बर 2019 का मंथ है, ये पोषण माह डिक्लेयर किया गया है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। इट ये कब लॉन्च हुआ था, ऑन 8 मार्च 2018, एंड किसका इनिशिएटिव है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग, ठीक है। तो पोषण न्यूट्रिशन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन किसके लिए होता है, दो जनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मदर एंड चिल्ड्रन, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी, थोड़ा ऐसे लिंक करके याद कर लेना। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सीक टू सिनर्जाइज ऑल एफर्ट्स बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से, एंड इंटेंट टू टेक न्यूट्रिशन अवेयरनेस एक क्विक जन आंदोलन के लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस आए लोगों में। एंड प्रोग्राम थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टारगेटेड अप्रोच एंड कन्वर्जेंस स्ट्राइव्स टू रिड्यूस लेवल ऑफ स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है, हाइट, बच्चे की हाइट कम है उसके एज के अनुसार, मतलब अगर किसी एक एज के बच्चे इतने हाइट के होने चाहिए पर उसकी हाइट उससे कम है, उसे स्टंटिंग बोलेंगे। अंडर न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए। अनीमिया, लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, लो बर्थ वेट, पैदा होने के टाइम पे उसका वेट कम है बच्चे का। एंड ऑल्सो फोकस ऑन एडोलेसेंट गर्ल्स, एडोलेसेंट्स मतलब 14 साल की एज के बाद वाली, एंड प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स उनको कहते हैं। एंड होलिस्टिकली एड्रेस माल न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सकें। देन एम्स क्या है, पोषण अभियान एम टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी एंड इंटरवेंशन बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, बिहेवियरल चेंज करेंगे थ्रू कन्वर्जेंस एंड लेज डाउन स्पेसिफिक टारगेट्स जो अचीव करना चाहेंगे, तो ये एम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कवरेज किसको करेंगे, ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटी, स्टेट्स और यूटी सबको कवर करेंगे, 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज एंड 718 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कवर्ड इन फेस्ड मैनर बाय ईयर 2020। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट टीबी हारेगा देश बचेगा कैंपेन। अब ये कैंपेन क्या है, पहले तो टीबी के बारे में देख लेते हैं। टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एयरबोर्न है, एयरबोर्न इन्फेक्शन है, मतलब एयर के थ्रू फैलता है। और कौन कॉज करता है, बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैसिलस मतलब बैक्टीरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये टिपिकली लंग को इफेक्ट करता है अगर पल्मोनरी ट्यूबी हो, क्योंकि एक एब्डोमिनल ट्यूबी भी टीबी भी होता है, या आँखों का भी इवन टीबी होता है, बट अगर लंग प्राइमरीली वो लंग को इफेक्ट करेगा पर दूसरी साइड को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड इट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज एंड स्प्रेड बाय एयर ड्रॉपलेट्स। एयर ड्रॉपलेट्स कैसे खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उससे वो जो टीबी का बैक्टीरिया एक बंदे से दूसरे बंदे में चला जाता है। एंड ब्रॉडर इन्फ्लुएंस ऑफ द टीबी एपिडेमिक
क्यों होता है टीबी एपिडेमिक, इंक्लूड लेवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। एक तो पहली बात, अच्छा वेंटिलेशन नहीं है घरों में, ठीक है। अब कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो इन्फेक्शन ही इतना ज़्यादा है, ऊपर से वेंटिलेशन नहीं है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, या ओवर क्राउडेड प्लेस पर रह रहे हैं, या HIV इन्फेक्शन है कॉज, अंडर न्यूट्रिशन है, क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन होगा तो उसकी इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी तो ये बैक्टीरिया जल्दी अपना काम कर सकेगा बॉडी के अंदर। एंड स्मोकिंग एंड विदाउट ट्रीटमेंट इसकी मोर्टैलिटी रेट, मतलब इंसान की जिंदा नहीं रह पाएगा ज़्यादा, एंड मोर्टैलिटी मतलब मर जाएगा वो ज़्यादा जल्दी। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, मॉलिक्यूल्स का टेस्ट होएगा। एंड स्पूटम स्मियर, स्पूटम क्या होता है, जैसे एक डीप कफ करके खांसी करके ना वो स्पूटम जो बलगम निकलता है उसकी जांच होती है, तभी तो कहते हैं कि अगर 7 दिन से ज़्यादा की खांसी है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और डॉट्स के लिए देखें। डॉट्स क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, वो टीबी के लिए करी जाती है। बट ये होता है अगर किसी को 7 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड खांसी है ना तो वो जाके एक बार अपने बलगम की जाँच कराएं। अब ये लॉन्च क्यों हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने 2030 को मार्क किया एज अ ग्लोबल टारगेट टू एलिमिनेट टीबी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शानी निकल गई, उन्होंने कहा नहीं हम तो 2025 तक एलिमिनेट करेंगे टीबी को हमारी कंट्री से, जबकि हमारा सेकंड हाईएस्ट टीबी बर्डन है पूरे वर्ल्ड में, तो देखते हैं कैसे गवर्नमेंट इसको कर पाएगी। द नंबर ऑफ HIV इन्फेक्टेड पीपल हु, सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या है, पहले तो जो HIV पीपल हैं ऑलरेडी हु गो ऑन टू डेवलप ट्यूबरक्लोसिस इज लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी, जिनको ऑलरेडी HIV है वो TB डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी बढ़ रही है। मॉर्बिडिटी मतलब इलनेस एंड डेथ रेट बढ़ रहा है। एंड को मॉर्बिडिटी ऑफ TB डू नॉट कम इन फॉर्म ऑफ HIV ओनली, मतलब डायबिटीज़ एंड टोबैको रिलेटेड एलिमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसको ऑलरेडी टोबैको खा रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज़ है उनमें TB का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली HIV में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर होएगा तो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि इवन TB जैसे इन्फेक्शन या निमोनिया जैसे सिंपल इन्फेक्शन भी आपकी बॉडी पर लग जाता है। देन इंडिया इज़ द थर्ड हाइएस्ट HIV बर्डन कंट्री इन द वर्ल्ड एंड रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड एज फार एज TB रिलेटेड मॉर्टैलिटी इज कंसर्न्ड। एंड TB का बर्डन इज़ हाइएस्ट कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में है इन इंडिया। देन हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ पेशेंट हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर TB वर ऑल्सो इन्फेक्टेड विद HIV, ठीक है, जो TB और HIV जिनको दोनों है, केम फ्रॉम नागालैंड 15.6%, फॉलोड बाई कर्नाटका 10%। एंड परसेंटेज ऑफ पीडियाट्रिक ट्यूबरक्लोसिस, मतलब 15 साल से कम बच्चों में पीडियाट्रिक का मतलब बच्चों वाला ट्यूबरक्लोसिस भी थोड़ा सा बढ़ गया है उसका रेट। एंड क्यों ज़रूरी है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, क्योंकि एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है वो क्या बोलता है कि कंसोलिडेटेड गोल ऑन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है, विच इंक्लूड्स टारगेट 3.8 रिलेटेड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि हेल्थ कवरेज सबकी होनी चाहिए यूनिवर्सली, इन विच TB को एक एक्सप्लिसिटली मैंशन किया गया है कि इस पर ज़्यादा फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। एंड अबाउट कैंपेन एम्स टू इम्प्रूव एंड एक्सपैंड रीच ऑफ TB केयर सर्विस अक्रॉस कंट्री बाई 2022। एंड 3 पिलर्स क्या है कैंपेन के, क्लिनिकल अप्रोच होनी चाहिए, मतलब लोग इजीली जो क्लिनिकल वो चीज़ जगह है हॉस्पिटल्स वगैरह उनको अप्रोच कर सके, एंड पब्लिक हेल्थ कॉम्पोनेंट पर ध्यान रखा जाए, एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और एक सपोर्टिंग एस्पेक्ट्स होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि TB का एक ऐसा फोबिया है, लोग उसको बहुत आइसोलेट कर देते हैं इंसान को, तो एक पेशेंट सपोर्ट होना चाहिए और एक सोसाइटल सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट ऑल पेशेंट एट प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी TB केयर उनको मिले, क्योंकि अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है जो डॉट्स रेजिमेंट चलाया जा रहा है। देन इट अबाउट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये कब आया था, ब्रॉट इन 1974 इन रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट इंदिरा गांधी के रिजीम में किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आया था। इट इज़ अ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा जो न्यूक्लियर सप्लाई का है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज दैट सीक टू प्रिवेंट न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन, मतलब दूसरी स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स और उसमें प्रोलीफरेट ना कर पाएँ, फल फूल ना सके, बाय कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर, पहले एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, फिर इक्विपमेंट का कंट्रोल करेंगे, फिर टेक्नोलॉजी का कंट्रोल करेंगे जिससे वो न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। NSG की फर्स्ट मीटिंग 1975 में हुई थी इन लंदन, तो इसलिए इसको लंदन क्लब बोला जाता है। ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एंड उसकी जो गाइडलाइंस और डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है, और डिसीजंस इसके कंसेंसस से होते हैं। मेंबरशिप मेंबर कितने हैं, 48 सप्लायर स्टेट्स।
अब इंडिया को क्यों ज़रूरी है इसका मेंबर बनना? सबसे पहले इंडिया की एक्सेस टू स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो जाएगी, जितने भी 48 मेंबर कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस मिल जाएगा हमें, ठीक है, एंड हमारा उनको वहाँ से हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर इक्विपमेंट बनाएंगे, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी फल फूलेगा हमारा। एज़ पर इंडियाज़ INDC अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हमने वो किया है कि हम अपना फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस, मतलब हम फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसको कम करेंगे, एंड इंश्योरिंग दैट 40% ऑफ एनर्जी सोर्स फ्रॉम रीन्यूएबल एंड क्लीन सोर्सेज, हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में माना है। तो इसके लिए हमें अपना न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहाँ से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या कोई और एनर्जी रिक्वायरमेंट सस्टेन कर सकते हैं, एंड ये तभी होगा जब इंडिया को NSG में एक्सेस मिल जाएगा। इंडिया विल गेन एन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस इट्स कंसर्न, अगर कुछ भी कंसर्न है इंडिया के अगर NSG का मेंबर बनेगा, बाहर रह के वो बोले जाएंगे तो कोई सुने नहीं गा, अगर मेंबर है तो एक इफेक्ट आता है इसका, एंड अगर कोई प्रोविजन NSG गाइडलाइंस में गलत है तो वो भी बदला जा सकेगा अगर अपनी वॉइस रेज करेंगे, एंड उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन ऑल न्यूक्लियर मैटर्स। क्राइटेरिया क्या है मेंबरशिप का? पहले बात, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट टूवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी व्हीकल। पहले बात, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल एफर्ट जो चल रहे हैं टूवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स, जो ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के एफर्ट स्टेट्स बनाते हैं उन पे, एंड फुल कंप्लायंस विद ऑब्लिगेशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट है उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लीगली बेस्ड डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम, एक लीगली टोटल लीगली होना चाहिए डोमेस्टिक एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एंड अधेरेंस टू गाइडलाइंस एंड एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद देम एंड एबिलिटी टू सप्लाई आइटम्स। पहली बात तो जो आइटम्स NSG में मैंशन किए गए उनको एबिलिटी होना चाहिए कि वो इतने मटीरियल बना पा रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, और उनकी गाइडलाइंस पे अधेर करना पड़ेगा। देन इज अबाउट क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है? जो क्वांटम कंप्यूटर, जो गूगल ने एक रिसर्च करी है उसमें क्या बताया गया कि क्वांटम, पहले बात क्वांटम कंप्यूटर्स देख लेते हैं, वर्क बाय हार्नेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स का फंडा है क्वांटम मैकेनिक्स का, एंड क्वांटम कंप्यूटर्स यूज लॉजिकल यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम बिट्स फॉर शॉर्ट एंड और क्यूबिट्स फॉर शॉर्ट दैट कैन बी पुट इन टू क्वांटम स्टेट वेयर दे कैन साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट 0 and 1। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन डालते हैं, या तो 0 या 1, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। तो बट ये है कि ये जो क्वांटम बिट्स हैं ये 0 और 1 दोनों ही पब्लिश कर सकता है एक साथ में, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर्स दोनों में से एक कर सकता है, तो ये एक रिवॉल्यूशन ला सकेगा हमारी आगे की जनरेशन में, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजिकल जनरेशन में। बट वाइल कन्वेंशन कंप्यूटर आउटपुट्स द सेम आंसर टू एनी प्रॉब्लम, मतलब क्लासिकल कंप्यूटर तो सेम आंसर देगा अगर हम 2+2 = 4 करेंगे, 2+2 तो 4 होता है अगर कोई कैलकुलेशन रन करेंगे, बट जो आउटपुट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स आर प्रोबेबिलिस्टिक, कि ज़रूरी नहीं है आपको वो सेम ही आंसर देगा हर बार, ये दिक्कत है क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ। एंड दिस कैलकुलेशन इन्वॉल्व चेकिंग वेदर द आउटपुट, ये किस लिए ज़रूरी है? दिस कैलकुलेशन इन्वॉल्व चेकिंग वेदर आउटपुट ऑफ एन एलॉगरिदम फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स वर ट्रूली रैंडम, एंड रिसर्चर्स वर एबल टू यूज क्वांटम कंप्यूटर्स टू परफॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बेसिकली किस लिए करा गया है कि जो रिसर्चर्स थे वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिचुएशन को ये क्वांटम कंप्यूटर ने 3 मिनट और 20 सेकंड में कर दिया, जबकि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कॉमर्शियली अवेलेबल कन्वेंशनल कंप्यूटर 10,000 साल लेता है इसको परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली क्वांटम सुप्रीमेसी क्या है कि ये क्वांटम कंप्यूटर्स का जनरेट किया गया है, ठीक है, गूगल की रिसर्च के द्वारा, मोटा मोटा ये समझ लो, एंड वो क्वांटम कैलकुलेशंस को इजी कर सकता है एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़े टाइम में कर सकता है रैदर देन कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। देन इज अबाउट नेशनल वाटर मिशन, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशंस लॉन्च्ड अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर कम्बैटिंग थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। गोल्स क्या है इसकी? कॉम्प्रिहेंसिव वाटर का डाटाबेस होना चाहिए पूरा, ठीक है, इन द पब्लिक डोमेन में लाओ, एंड असेसमेंट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का ऑन वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज पे कैसे अफेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज, एंड प्रमोशन ऑफ सिटीजन्स एंड स्टेट एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन, फोकस्ड एरिया टू वल्नरेबल एरियाज इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेड, जैसे ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है पंजाब हरियाणा के केस में तो वो उन पे होना चाहिए, एंड इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%, ठीक है, कैसे हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं, एंड प्रमोट बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज का मल्टीपल मैनेजमेंट कैसे हो सकता है।
मेजर प्रोविजंस क्या हैं इसके, एस्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद नेटवर्किंग नेटवर्क ऑफ डाटा बैंक्स एंड डाटा बेसिस. पहली बात तो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, पूरा एक सेंट्रलाइज डाटा बेस हो. एंड गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी एंड स्टोरेज डैम्स एंड अदर वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, उन पर गाइडलाइंस पूरी पूरी होनी चाहिए डैम्स वगैरह पे, उनकी हालत कैसी है और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए. एंड ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना है या रेगुलेट करना है. एंड सेटिंग वाटर एलोकेशन प्रायोरिटीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, वाटर एलोकेशन की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले ड्रिंकिंग की, फिर इरीगेशन की, फिर हाइड्रो पावर, फिर नेविगेशन, फिर इंडस्ट्रियल, फिर कोई अदर यूजेस होना चाहिए. देन वाटर रेट्स फॉर सर्फेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर शुड बी रैशनलाइज्ड विद ड्यू रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट, मतलब कि कितना वाटर रेट होना चाहिए सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, और उनको रैशनलाइज मतलब एक रैशनल होना चाहिए, एक वजह होनी चाहिए कि भाई इतना ही कर सकते हो, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए. एंड पॉलिसी ऑल्सो डील्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एंड वॉलंट्री एजेंसीज, उनकी भी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेगा. नीड ऑफ द आर क्या है, हमें अभी क्या चाहिए वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, यूजिंग रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर सी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर डीसेलाइनेशन. जब डीसेलाइनेशन हमें परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि समुद्र में इतना पानी पड़ा है वो खारा है पर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सेम प्रिंसिपल है जो हमारे घर में आर ओ होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है, कि पानी एक ज़्यादा कंसनट्रेटेड से कम कंसनट्रेटेड में आता है. जो पानी यहाँ पर मान लो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं पर यहाँ पर कम सॉल्ट्स हैं, ठीक है, पर यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये पानी यहाँ से यहाँ भेजते हैं थ्रू वो फिल्ट्रेशन फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. ये तो ऑस्मोसिस, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का पंगा होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाली चीज़ से कम कंसंट्रेटेड वाली जगह पे चला जाएगा पानी. तो इस ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो हमारे घर में आर ओ लगे होते हैं, आर ओ का फुल फॉर्म ही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है. एंड रिसाइकल ऑफ वाटर एंड रीयूज वेयर एवर पॉसिबल एंड वाटर की प्योरिफिकेशन हो सके. इन्हांसिंग स्टोरेज कैपेसिटीज इन मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाना है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ ड्रेनेज विद इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज का बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में भी. एंड वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना चेन्नई में चेन्नई जितना पानी की क्राइसिस नहीं आती अगर वाटर हार्वेस्टिंग अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता तो. अब प्रीलिम्स का फैक्ट देख लेते हैं. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM, हाँ, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव, अब इकोनॉमिक एडवाइस दे तो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज पे एडवाइस देगी स्पेसिफिकली टू प्राइम मिनिस्टर. दिस कुड इधर सुओमोटो और ऑन रेफरेंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, ये केस ले सकते हैं या तो खुद से या फिर प्राइम मिनिस्टर के रेफरेंस से इकोनॉमिक केसेस पे. देन सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड्स, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 31 अक्टूबर को ये दिए जाएंगे, तब भी ये न्यूज़ में आएगा तब देख लेंगे. ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. एंड अवार्ड सीक्स टू रिकोगनाइज नोटेबल एंड इंस्पायरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो जिन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है. और एक अवार्ड कमेटी बैठती है जिसका जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं. वो अवार्ड कमेटी डिसाइड करती है किसको दिया जाएगा. एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी इंडियन नेशनल और इंस्टीट्यूशन और या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बंदा अपने यहाँ से नॉमिनेट कर सकती है फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस अवार्ड, या कोई भी इंडिविजुअल खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है, या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी को नॉमिनेट कर सकती है. एंड अवार्ड कौन कन्फर करेगा, प्रेजिडेंट, ठीक है. एंड इसको इसमें एक मेडल होगा एंड अ साइटेशन कि भाई इनको अवार्ड मिला. एक नो मॉनिटरी ग्रांट्स, कोई कैश प्राइज नहीं मिलता है इसमें. एंड नॉट मोर देन 3 अवार्ड्स वुड बी गिवन इन अ ईयर एंड पोस्थ्यूमसली नहीं देते, मतलब आफ्टर डेथ किसी की उनको अवार्ड नहीं देते एक्सेप्ट इन हाईली डिजर्विंग केसेस. तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का बर्थडे है तो तब ये अवार्ड दिए जाएंगे. 31 अक्टूबर को भी न्यूज़ आएगी, फिर इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे. देन इज अबाउट वराहा. वराहा क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, डिजाइंड एंड बिल्ट इंडिजीनियसली एंड इट विल इन्हेंस सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग कैपेसिटीज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड री इन्फोर्स देयर रोल एज सेंटिनेंस ऑफ अवर सी. सेंटिनेंस क्या होता है, गार्ड, ठीक है. अब कोस्ट शिप है, कोस्ट गार्ड शिप है तो गार्ड तो करेगी, तो सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए वराहा को बनाया गया है, डिजाइंड एंड बिल्ड इंडिजिनसली. देन इज ICC डिमेरिट पॉइंट. ICC क्या है, क्रिकेट काउंसिल. देन क्रिकेट काउंसिल डिमेरिट पॉइंट सिस्टम इज प्लेयर्स पर्सनल डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, कि उनका पर्सनल डिसिप्लिन कैसा है. दे गेट एक्सपंज्ड आफ्टर 24 मंथ टाइम पीरियड. अगर प्लेयर को चार से ज़्यादा डिमेरिट मिल जाते हैं कि 2 साल के टाइमिंग में, ठीक है, डिमेरिट मिलते हैं उनको अगर उनका डिसिप्लिन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है,
then the demerit points are converted into suspension point leading to player get suspended from international cricket. तो ये वाली होते हैं आईसीसी के डीमेरिट पॉइंट सिस्टम. देन इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे. ये कब बनाया जाता है? 26 सितंबर को. क्या क्यों है मैरीटाइम इंपॉर्टेंट? इट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन एनवायरनमेंट एंड शिपिंग सेफ्टी. की क्यों जरूरी है? दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ अडेप्टेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन इन 1958. द डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1978. दो साल बाद इस डे को ऑब्जर्व किया गया था 26 सितंबर. एंड आज की थीम क्या है? एम्पावरिंग वुमेन इन मैरीटाइम कम्युनिटी. तो आप देखना आजकल हर एक की थीम वुमेन फोकस्ड होती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. तो मुझे ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा. पीडीएफ साइट पे अपलोड हो जाएगा एंड क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में डालूंगी, आप मुझे वहाँ पे आंसर करना. थैंक यू सो मच.